हमारे पास चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्यों जरूरी होते हैं, इसका आंसर कौन देगा? फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स क्यों जरूरी हैं इनपुट लेने के लिए, इनके बाद से कौन कौन एग्री है? एक और कोई, फॉर्म्स क्या होते हैं? क्या लेने के लिए? डिटेल्स लेने के लिए। और पर्सनल हो, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, यूजर से डेटा या यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको फॉर्म बनाना पड़ता है। सही है, कैप फॉर्म भरे थे? सही है, पुराने हो गए। ओके, हमारे पास वेब में भी बहुत जरूरी होता है, और लास्ट में किसे आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा कि फॉर कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना हुआ होता है, या सब्सक्राइब के लिए एक ईमेल बना हुआ होता है। अगर आप कंट्रोल टी भी करो, मैं यहाँ पर आके कंट्रोल टैप करता हूँ, तो ये गूगल पे तो एक फॉर्म ही है, एक इनपुट फील्ड दे रहा है कि भाई लिख लो जो भी चाहिए, मैं आपको ला के दे दूंगा, ये यहाँ लिख लो। सही है, और ये यहाँ पर आपको बस लास्ट सजेशन दिखा रहा होता है। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्म्स हैं, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर। विजिटर कौन होता है? हम। सही है, जिसने भी आपकी साइट पर विजिट किया हुआ हो, चैनल पर विजिट किया हुआ हो, आपकी किसी भी चीज को व्यू किया हुआ हो, वो आपका विजिटर होता है। या आपने किसी को घर दिखाया हो, ऐसे ये एग्जाम्पल है। सही है, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल का यह मतलब है कि मैंने बोल दिया भाई कि यहाँ पर जो है अपना जेंडर लिखना है, मेल फीमेल अदर। सही है, अब मैंने कहा कि ठीक है, कुछ 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 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ और ही लिख के जा रहे हैं, इससे बेहतर है रेडियो बटन बना दो ताकि एटलीस्ट एक सिलेक्ट कर लें और आगे बढ़ जाए, कोई उल्टा सीधा ऑप्शन ना बचे। सही है, ऐसा हर जगह है। अच्छा, न्यू एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल, कुछ न्यू फीचर्स आए हैं जो ये बताएगा हमें, आगे बढ़ते हैं। सही है, ये एक बेसिक सा फॉर्म है, बहुत छोटा सा आसान सा, जिसमें आप जो आप लास्ट के क्लास के लास्ट में बनाओगे। अच्छा, ये जो है ये लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है, बाय फॉर्म्स। फॉर्म क्यों बनाए, वरना फिर इंफॉर्मेशन कैसे लें? सही है, सिंपल आंसर है। अच्छा ठीक है, ये आपको जो है इसने वो बना के दिया है, आपको जो है चीज एग्जाम्पल बताइए कितने तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं इनके ख्याल से और हमारे ख्याल से। एक, हाँ भाई, सिंपल टेक्स्ट लिखना है। सही है, नंबर दो, पासवर्ड लिखना है, तो पासवर्ड जो है की ना दिखे, आप में भी पासवर्ड लिखते हो तो स्टार आता है। दो तरह के पासवर्ड देखे होंगे, एक जब भी कुछ लिख रहे हो तो डायरेक्ट स्टार दब रहा है, नंबर दो पहले वो वर्ड दिखता है फिर वो स्टार बन जाता है। सही है, ऐसा है? ठीक है, नंबर तीसरा, भाई बड़ी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया कि यहाँ पे कमेंट लिख दो, हमारी जो भी आपका जो भी सर्वे है कैसा रहा, कमेंट वगैरह। ठीक है, नंबर फोर रेडियो बटन, नंबर फाइव चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन का कोई फर्क बता सकता है? हम आगे देखेंगे। ड्रॉप डाउन, सही है, और उसके बाद होता है बटन, और उसके बाद होता है फाइल अपलोड। इन सब का भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। सही है, सही है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने डायग्राम बनाकर दिखाई है। ये सही है, ये जो है सिर्फ वो समझ पाएगा जो बैच के लास्ट तक रहेगा। सही है, आसान लफ्जों में थोड़ा सा बता देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल, लेकिन ये बाद में समझ में आएगी ये हो क्या रहा है। क्या मैंने यहाँ पर लिखा बुक, सिर्फ अभी फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जब मैं एंटर करूंगा, अभी मैं कर नहीं रहा, तो वो किसी जगह पर गया मेरी क्यूरी लेकर,
कि भाई यूजर ने या विजिटर ने बुक लिखा है, सही है, जिस भी जगह पर गया उसने उसके पास बुक से रिलेटेड जो जो डेटा था उसने उसके हाथ में दे दिया और उसने वापस लाकर मुझे यहाँ पर सब कुछ दे दिया। अब ये हुआ कैसे या ये सारा माजरा क्या है, ये सिर्फ वो समझ पाएगा जो लास्ट तक साथ हो, क्योंकि ये सारी चीजें फिर आप कर लोगे, ये कोई मसले वाली बात नहीं और ये बड़ा आसान काम, आसान काम उसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी को शदीद लेवल की फेस कर चुका होगा, वरना तो मुश्किल काम है। सही है, ओके फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक सा फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, फॉर्म बनाए किस तरह, हमारे पास कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, दो तरह के, एक एक होता है हमारे पास जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, दूसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहां पर आते हैं, पीरियोडिक टेबल क्लोज कर दूं। सही, जब भी फॉर्म बनाओगे आपके पास सबसे पहले जो एलिमेंट होगा यूज वो है फॉर्म। सही है, फॉर्म का एलिमेंट आपने बना लिया, एक एट्रीब्यूट लगा आ रहा होगा एक्शन का, उसको आपने रिमूव कर देना है, उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो है मैंने सबसे पहले इसके अंदर एक पैराग्राफ बना लिया पी, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया नेम। अब मैंने क्या किया, एक एलिमेंट यूज करा फॉर्म क्रिएट करने के लिए, विच इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग कॉल्ड इनपुट। सही है, इनपुट आपका फॉर्म क्रिएट करेगा और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सही है, अब हम सबसे पहले इसको सेव करके जाके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास उसने एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करके दे दी। सही है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म एक्टिव हो गया, और अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो लिखा जा रहा है 1 2 3 तब लिखा जा रहा, क्लियर, लेकिन ये अभी गुड प्रैक्टिस नहीं। आप जब भी कोई भी फॉर्म बनाओगे, नेम की स्पेलिंग वाला था, जब भी कोई फॉर्म बनाओगे आपने बताना है कि ये फॉर्म का टाइप क्या है, इस फॉर्म की टाइप क्या है, जो कि उसने ऊपर बताई थी कि भाई हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के लिए विच इज टाइप, ये बहुत सारी सजेशन देगा लेकिन हमें वही रखनी है जो हमारी रिक्वायर्ड है। मैंने रख दिया टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि ये नेम है, कुछ भी लिख दो भाई अभी इसमें। सही है, टाइप टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट लिख दो, जो मर्जी लिखो, नंबर हो, एबीसी हो, कैरेक्टर हो, लिखो बस। सही है, सेव कर दिया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसको पता है कि भाई मेरे पास टाइप है, कैसे पता, नंबर भी तो लिखे जा रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपने एक बेसिक सा फॉर्म बना दिया, वापस आता हूँ, इसी को कॉपी करा और नीचे लिखा, यहां पे लिखा कॉन्टैक्ट। सही है, और यहां पर अब मैंने लिख दिया नंबर। सही है, नंबर सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करा, बराबर में आ गया, बराबर में क्यों आया, इन लाइन एलिमेंट है। सही है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक पी दूसरा बना के नीचे लिख लेते हैं, और ताकि हर चीज जो है वो हमारी न्यू लाइन से आ रही हो, बी आर भी लगा सकते हैं लेकिन चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जब भी मैं इसके पास पहले वाले के पास एरो लेकर जा रहा हूं फॉर्म को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे वाले के पास जा रहा हूं तो फॉर्म के लास्ट में आप देखो वो एक अप एंड डाउन का एरो क्रिएट करके दे देता है। अगर मैं इसमें एक्टिव करके 1 2 3 लिखता हूं तो ओके है, तो, और अगर इसको ऊपर वाले को प्रेस करता हूं तो 4 बता रहा है, कौन सी वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को। सही है, और अगर हटा देता हूं और डायरेक्ट अपर वाले को प्रेस करता हूं तो 1 2 3, लोअर वाले को माइनस में भी जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस पे ABC लिख रहा हूं, कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूं, तो प्रेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जरूरी है कि आपने उसको टाइप बताना है कि जहां नंबर आएगा वहां पे टैक्स नहीं आएगा। सही है, ओके, अब मैंने बोला ठीक है यार इतना तो सही है, लेकिन एटलीस्ट बंदे को
समटाइम्स जगह पर ये जो मेरा हेडर डाला हुआ है ये नहीं डाला हुआ होगा, सही है, ये नहीं डाला हुआ हमारे पास। यहां से पता चले एक हल्का सा टेक्स्ट लिखा होता है फॉर्म के अंदर कि भाई यहाँ पर कुछ लिखो, सही है, फॉर्म फील्ड में कुछ हल्का सा टेक्स्ट डाला हुआ होता है, सही है, उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट है विच इज प्लेस होल्डर, सही है, और यहां पर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम।